क्या आप कभी दवा की दुकान पर खड़े होकर सोचते हैं कि होम्योपैथी या एलोपैथी कौन सी दवा चुने? एक तरफ छोटी छोटी मीठी गोलियां जो आपको पानी की बूंदों में घोल कर पीनी है, और दूसरी तरफ रंग बिरंगी बड़ी गोलियां जो आपको सीधे निकलनी है। दोनों अपने अपने तरीके से आपको स्वस्थ करने का वादा करती है, लेकिन कौन सी है आपके लिए सही, क्या आप जानते हैं? नहीं ना, हम आपको बताते हैं। आज के समय में जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट के कई ऑप्शन होते हैं। इनमें से तो सबसे फेमस है होम्योपैथी और एलोपैथी। एलोपैथी, जिसे आधुनिक चिकित्सा भी कहा जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर आधारित है। ये रोग के लक्षणों को दूर करने के लिए दवाओं और सर्जरी का उपयोग करते हैं। ये गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत राहत प्रदान करती है। इसमें लगातार नए उपचारों और दवाइयों का विकास होता रहता है। कैंसर, हृदय रोगी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए ये बेहद प्रभावी है, मगर कई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके उपचार और दवाएं अक्सर महंगी होती है। इसमें रोग की जड़ पर ध्यान नहीं दिया जाता, कई बार केवल लक्षणों का इलाज किया जाता है, मूल कारण का नहीं। अब बात अगर होम्योपैथी की करें तो होम्योपैथी एक वैकल्पनिक चिकित्सा पद्धति है जो 18वीं सदी में जर्मनी में विकसित की गई थी। ये सिद्धांत पर आधारित है जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में रोग के लक्षण पैदा करती है, वहीं अत्यंत कम मात्रा में उस रोग का इलाज कर सकता है। होम्योपैथी के लाभ देखें तो प्राकृतिक सामग्री और कम खुराक के कारण साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। रोगी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। अधिकतर दवाएं सस्ती होती हैं, लेकिन होम्योपैथी की भी कुछ सीमाएं हैं। परिणाम दिखने में समय लग सकता है, यानी इसका प्रभाव धीमा होता है। कई वैज्ञानिक इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। साथ ही जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के लिए अकेले होम्योपैथी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब सवाल वही आता है, किसे चुने, होम्योपैथी या एलोपैथी? दोस्तों, ये चुनाव व्यक्तिगत स्थिति, रोग की गंभीरता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। आपातकालीन स्थितियों में एलोपैथी बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये तत्काल राहत प्रदान करती है। क्रोनिक डिजीजेस के लिए होम्योपैथी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर यदि एलोपैथी से दुष्प्रभाव हो रहे हो। मामूली बीमारियों के लिए दोनों में से कोई भी चुना जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी कम दुष्प्रभावों के साथ धीरे धीरे काम करती है। गंभीर रोगों के लिए एलोपैथी पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी दोनों चिकित्सा मेथड का अपना अपना महत्व है। कई लोग दोनों का कॉम्बिनेशन भी करते हैं, जिसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा जाता है। सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और अपनी स्थिति के अनुसार सबसे एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चुनें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।